आज ना ये दोनों पागल हो गए, ये इनके साथ ना रविराज भी हो गया, ये देखो ऐसे चुका रहा है। आराम से आराम से। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी सुबह का बज गया है, हम दोनों कैसे दिख रहे हैं, जैसे सफेद से दिख रहे हैं। तो अभी सुबह का कितना बज गया, 9 बज गया, तो 9 बज गया है लग रहा शायद, मैंने टाइम देखा नहीं। तो नाश्ता वगैरह हो गया हमारा, नाश्ते मैंने जमे बनाई थी नमकीन वाले, और रविराज खेल रहा है, मतलब इधर भी आ गया था सुबह, और संडे है तो छुट्टी है इनकी। और हम जा रहे हैं, मैं आज मैंने नहाया नहीं क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं, कहाँ बाल कटवाने, मेरे हेयर कट कराने, थोड़ा सेट वगैरह करवा के आती हूँ। बहुत ना झड़ भी रहे हैं, बहुत अजीब से हो गया। अब अभी ये फेस ना सफेद दिखाई दे रहा है, यहाँ तो क्या कैसे दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं। तो इधर ही जरा, अब कोई फर्क नहीं है, अब उधर जा तू, ये भी ऐसे ही है कोई फर्क नहीं है, पूरा ना वाइट वाइट से दिख रहा है, वो सूरज की रोशनी पड़ रही ना। तो हमने विटामिन डी भी ले लिया है, तो अब हम चलते हैं, है ना शिवा, सबकी नहाना वगैरह बाद ही में करेंगे। तो आ गए हम यहाँ शॉप पे इधर, तो दोनों अंदर चले गए हैं नंबर वगैरह लगवाने, और अच्छी सी धूप आ रही, तो मेरे दोनों आजकल धूप में ही खड़े रहने का मन कर रहा है। तो अभी मैंने इनका जैकेट पहन लिया सागर का, क्योंकि ये धुलना भी है, तो मैंने सोचा यही पहन लूँ, बाल वगैरह गिर जाते हैं ना कपड़ों पर। तो अंदर चलती हूँ मैं भी अब। तो अभी हम घर पर पहुँचे, और इन्होंने इस बार ना मेरा ऐसे हेयर कट करवा रखा, पता नहीं इनको ना बॉयकट बाल होने से बहुत खुशी मिलती है, और ऐसे करवा दिए। तो पहले बीच में भी ऐसे ही करवाए थे, लेकिन बढ़ गए थे बाल, तो मेरे तो झड़ रहे हैं इसलिए, और थ्रेडिंग बनाई भैया ने, मतलब जहाँ पे बाल कटवाए थे उन्होंने बनाई, तो अच्छी बनाई हुई है थ्रेडिंग भी। और शिवा को आते ही मैंने नहला दिया, क्योंकि पानी गर्म हो रखा हुआ था, तो मैंने इसे नहला दिया। तो मैं खुद अब नहाऊँगी, क्योंकि ये सोने के लिए कर रहा था, तो मैंने फटाफट से नहला दूँ और कपड़े पहनाऊँगी। इसे गुस्सा हो गया मुझसे कि मैंने इसे नहला लिया, यहाँ पर ना लाइट नहीं है, तो मैंने गैस में रखा हुआ पानी अपने लिए, तो जल्दी से नहा लूँगी। अब ठंडा लग रहा ना, हेयर बैंड लगाने का झंझट ना कुछ झंझट सही हो गया। नहा लिया था मैंने, और शिवा तो सो रहा है, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ दिख रहे हैं। तो अभी ना हमने चाय वगैरह पी, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था, तो अभी भी हमने चाय, ये जमे रखी हुई थी, पता नहीं थोड़े से खाए नहीं इन्होंने इस बार। भैया ने ना अच्छे से बाल काटे हुए हैं ठीक ठाक, क्योंकि हमने भैया को ना पूरी वीडियो दिखाई थी इन्होंने, इन्होंने पता नहीं कहाँ से सेलेक्ट करी थी वीडियो, पता नहीं कौन कौन सी वो लेके आते हैं मेरे लिए, हमेशा हमेशा अलग अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं मेरे बालों पे, है ही। तो अभी मैंने काटी हुई है बीन्स, तो दिन में बनाऊंगी बीन्स, मतलब आलू बीन्स की सब्जी। तो बीन्स तो मैंने काट दी है, तो आलू काटती हूँ फटाफट से। दोनों बाहर आराम कर रहे हैं अभी, तो दोनों खेल रहे हैं, वो आपका है बेटा, रविराज में रविराज को अपना वो दे रहा है, इसका है मैं बोली शिवा का। तो ये नहाने गए हुए थे, और मैंने बनाए हैं आज ये वाले ब्राउन वाले राइस, मतलब लाल वाले ब्राउन वाले चावल, ये दीदी उन्होंने दिए थे मुझे, तो थोड़े से मैंने बना दिए, थोड़े से पड़े हुए थे, और शिवा के लिए ना खाना ठंडा होने के लिए रखा हुआ है मैंने। तो ये मूंग की दाल है, और ये है आलू बीन्स की सब्जी बनाई है मैंने, तो शिवा को ना थोड़े से चावल खिला दूँगी, इसको ना चावल वगैरह सही लगता है। शिव मम्मा के बाल का है शिव, ये ना मेरे चश्मे के पीछे पड़ा हुआ है, शिव मम्मा के बाल का है, मम्मा के बाल का है, बताओ मम्मा के बाल का है, इसमें शिवा ने ना एक चश्मे का लेंस ना यहाँ नीचे गिरा दिया, नए चश्मे है इसने ही ना इसका लेंस ढीला कर दिया, तो मेरा चश्मा कैसे लग रहा है, अभी भी उसकी फुल तैयारी है कि मेरे से चश्मे,
रजाई, रजाई का है शिवा, रजाई का है, ये है, ये है रजाई, ये है रजाई का है, रजाई का है। अब चश्मा का है मम्मा का, लेंस का है, लेंस ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ वहाँ नीचे, वहाँ नीचे हाथ डाल रखे वहाँ है ना। अभी ना सागर चले गए हैं शॉप पे, सुबह नहीं गए आज, बाल वगैरह कटवाने थे और फिर थोड़ा आराम भी करना था क्योंकि दो दिन से ना, दो रातों से शिवा सोया नहीं था अच्छे से, तो जब बच्चा ना सोए तो खुद भी कहाँ ऐसे हो जाता, तो इन्होंने दिन में अच्छे से आराम कर लिया था आज। और ये लगा हुआ है वहाँ उधर खिड़की पे, तो खिड़की पे ही लगा हुआ है, तो मैं मतलब ऐसे लेटी हुई थी मैं यहाँ पे, फिलहाल तो कुछ नहीं करना, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं तो, और कपड़े भी भारी हैं अभी, धूप तो है ही फिलहाल, तो देखती हूँ कुछ और क्या करूँ। ये तो कुछ करने देता है नहीं, बुनाई वगैरह भी नहीं करने देता है जब तक ये सामने है। शिवा नीचे गिर जाओगे बेटा, नहीं ऐसे करो नहीं तो लगा पड़ा है वहाँ पे। और तो चलिए मैं भी बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, जो भी करती हूँ। अभी मैंने इसकी ना तीन चार पैजामियाँ धुली, ये बाल्टी में ले गई थी मैं यहाँ बाहर, तो मैंने यहीं पे फैलाई है बाहर पे, तो ये ना इसके हाथ ही बाल्टी लग गई आज। बेटा ठंडा हो रहा, सॉक्स नहीं पहने आपने, तो इसने सॉक्स वगैरह सारी गिल्ली कर दी थी, वो भी धुल दी। ओ हप बेटा कपड़े गिल्ले हो रहे मैं इसको सुलाना चाह रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ी देर पहले नींद आ। देखो अभी किचन में आई हूँ और ये मलाई पड़ी हुई है, तो देखती हूँ कुछ यूज़ करूँगी। और दिन में बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, आलू बीन्स की, तो ये बीन्स है। और ये रहे लाल वाले चावल, ब्राउन राइस, और ये ना खेत के हैं मतलब पहाड़ के, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक चावल तो बहुत अच्छे होते हैं, तो मतलब खेत के होते हैं ना, मतलब ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे चावल दाल वगैरह पहाड़ की ना, तो बहुत अच्छी रहती है, हेल्थी के लिए अच्छी होती है। जो दीदियों है ना नीचे, तो ताएची दीदियों मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, तो पहाड़ के लोग तभी मतलब सही रहते हैं, स्वस्थ से रहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खाते हैं ना, खेत के डायरेक्ट खेत से उगाओ और सुखाओ वगैरह ऐसे करके फिर अपना बना लिया, तो सही रहता है। मार्केट में जो आता है आजकल, तो सारी चीज़ें मार्केट की समझ में नहीं आती है क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ भी प्योर नहीं रहा अब। हाँ जो अपनी खेती कर रहा है, खेती से सीधा डायरेक्ट घर लेके आ रहे हैं फिर बना रहे हैं, तो वो मतलब सही है कि वो मतलब हेल्थ के लिए सही रहता है। तो ये चावल भी ऐसे ही हैं, तो दीदी ने दिए हुए थे मुझे, तो वही बनाए थे मैंने थोड़ा सा। और ये जवें भी पड़ी हुई हैं, सब्जी भी पड़ी हुई है, चावल भी हैं, तो देखते हैं शाम को क्या होता है। फिलहाल शिवा सो रहा है तो मैं भी आराम करती हूँ। तो अभी देखो शिवा भी उठ गया है। शिवा जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। भारती जी कैसे हो आप, भारती जी कैसे हो, कैसे हो। तो शिवा उठा तो मैं तो बैठी हुई थी ऐसे ही, फोन वगैरह चला रही थी, और आज ना फेस थोड़ा मतलब साफ सा हो लोग क्योंकि बाल वगैरह तो सारे कट गए हैं, कुछ टाइम बाद फिर बढ़ जाएंगे। मेरे बालों की ग्रोथ ना मतलब है टच उट, मतलब ऐसी है कि वह ठीक है, लेकिन आजकल ना थोड़ा बहुत केयर नहीं हो पा रही। ये देखो वाइट वाइट बाल भी हो रहे हैं क्योंकि केयर ही नहीं कर पा रही, ना कोई एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, ना कोई मतलब ऑयल वगैरह लगाना तो बहुत ही कम हो गया मेरा, नहीं तो मैं कर ही लेती थी अपने सिर की मतलब मसाज वगैरह, लेकिन नहीं हो पाता है। तो सागर का तो एक ही वो है कि बाल ही कटवा दें, कुछ भी होगा ना तो इनका वही रहता है कि बाल कटवा दे, बाल कटवा दे, तो उन्होंने कटवा ही दिए मुझसे बाल। तो शिवा के ना यहाँ पे लग रहा मच्छर ने काटा क्योंकि लाल लाल सा हो रखा, तो मच्छर ने काट लिया होगा पता ही नहीं, चलो मच्छर ने काटा है। आज तो आपने बताया नहीं किसी को कि आपकी नोजी कहाँ है, कहाँ है आपकी नोजी भाई, कहाँ है नोजी बता दो। अभी सो के उठना, थोड़ा सुस्ताई सी आ रही से, बता दो आपकी नोजी कहाँ है, ये का है? नहीं। तो अभी मैंने शिवा को ना ये वाली टोपी पहना दी, ये मेरी सागर की मतलब हम दोनों ही पहनते हैं इसको, टोपी का नाम लिया ना शिवा ने, टोपी उतार दी, तो ये मैंने अपने लिए निकाली हुई है क्योंकि सुबह सुबह ठंडा लगता है ना, सर दर्द हो जाता है ठंड से, तो इसलिए निकाली हुई थी मैंने दो तीन दिन पहले से, तो सुबह मैं पहन लेती थी इसको। ओए ओए गबड़ू
फेंक रहा, देख रहा है फेंक रहा, कहाँ फेंक रहा, कहाँ फेंक रहा, हो पकड़ो वहाँ नीचे चप्पल है, आओ चलो आओ। ये पता नहीं सोने के उठने के बाद ना ऐसे करता है, आओ गोदी बुबू लो। मम्मा का है, मम्मा का है शिवा, मम्मा का है ये है मम्मा। अच्छा शिवा का है, शिवा का है, शिवा शिवा वो है जो मोबाइल पे दिख रहा है। मम्मा का है वो है, मम्मा के बाल का है ये, कहाँ गए मम्मा के बाल, कहाँ गए और कहाँ गए मम्मा के बाल, वो तो यही है और कहाँ गए, कहाँ गए कहाँ गए मेरे बाल। सो हे गाइस, अभी हम घर और क्या हो रहा है ऐसे ना ले शिवा गिफ्ट अपना, चाचा ने दिया, चाचा ने दिया, चाचा ने, चाचा ले गया इसके लिए। अरे वाह शिवा के नई नई शूज कैसे लग रहे और पिंकी, तो कैसा लग रहा है आपको बाल कटा के है? कैसा लग रहा यार, फ्री माइंड तो हो ही आता है जैसे कान के पास से कबूतर उड़ गए ये पकड़ लिए इसने, अभी रुक तो जा खोल ले तो दे, रुक जा नहीं ऐसे, हाँ सॉक्स उतार के पहना दे, सॉक्स उतार के पहना दे अपने जूते, कैसे लग रहे शिवा, शिवा चल चली करो, जाओ नीचे चल चल के, चल चल के दिखाओ, जाओ अब उतर रहा है ना नीचे अपने आप, हाँ जाओ सॉक्स छोड़ दो, जाओ मम्मा पास जाओ यार ऊपर को करने पड़ेंगे और थोड़े। तो शिवा तो यहाँ पे देख रहा है खड़ा हुआ कार्टून मोबाइल में, और ये बना रही है खाना, और है खाने में आज पनीर के पराठे और चाय, तो बन रहे हैं अब तो खाते हैं अब, इस खुशी में बाल कटाने की खुशी में तो स्पेशल बनना चाहिए था ना, उधर दिखा ऐसे करके बढ़िया कटिंग कर रखी, मजेदार तुम्हारे मन की हो गई तो अभी ना शिवा का कोई भी सोने का मूड नहीं है, और मैं भी ना मेरे को मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को ये धूप में सुखाने थे दलिया और ये भुने हुए चने आंगनबाड़ी से मिले थे तो धूप में सुखाने थे, लेकिन क्या यहाँ पे आगे देखो, मैंने बोला मेरे को ये धूप में सुखाते हैं, लहसी से खेल ले खेल ले, तो बच्चों को ना ऐसे देना पड़ता अपना काम निकलवाने के लिए। अब मेरे ना हाथ पे खुजली पता नहीं क्यों खुजली हो रही है, और मस्त से पराठे खाए आज, और उसके बाद मैंने आधा पौना घंटा आराम भी कर लिया, फिर अब मैं जरा वो कपड़े बोल रही हूँ, मैं बर्तन देखो कितने सारे बर्तन हो रखे हैं, अरे दिन की ये कहाँ पर ये है ना दिन की सब्जी थी, तो ये भी ना पता नहीं क्यों स्मेल स्मेल से आने लग गई, थोड़ा सा खाई थी मैंने अजीब सा मन हो गया था, तो बर्तन धोती हूँ फिर।